हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का मंडे के डेटा एनालिसिस वीडियो में। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं सेशन को, जानते हैं कि मंडे के लिए बाजार में डेटा कैसे आए हैं, किस हिसाब से हमारी प्लानिंग होनी चाहिए। एंड आई होप कि दो दिन से जो हम व्यू दे रहे थे, हमारा दोस्त क्लियर स्टैंड था कि इस वीक के लिए लास्ट दो दिन से कि हम यहां पे बाई अवॉइड करेंगे। कुछ नहीं समझ में आएगा तो शांति से बैठेंगे, देखेंगे, लेकिन बाई बिल्कुल नहीं करेंगे। और आप देख सकते हैं किस तरीके से गिरावट हुई और FII ने आज 8000 शेयर की सेलिंग की। तो अगर आपको अच्छा लगे तो आप कह सकते हैं कि हम FII से भी एक कदम आगे निकले, जो कि हम दो दिन से अपना जो व्यू है दे रहे थे। यहाँ पे देख सकते हैं किस तरीके से हमने लास्ट के दोनों तीनों सेशन में यही चीज कवर की थी, आप इसको ओपन करके भी देख सकते हैं। तो चलिए अब आगे की जो है प्लानिंग देखते हैं, लेवल देखते हैं, डेटा देखते हैं कैसे आए हैं, किस हिसाब से काम करना है। उसके पहले दोस्तों काफी सीरियस एक इम्पोर्टेंट जो है बात आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ये हमारे एक स्टूडेंट का जो है आज रिपोर्ट कार्ड जस्ट उन्होंने शेयर किया, जो कि 23 सितंबर में उन्होंने ज्वाइन किया था। ज्वाइन करने के समय जब उन्होंने अपना पोर्टफोलियो बताया तो उनके पास करीब करीब 3 लाख का जो है लॉस था, और आज एक क्वार्टर के बाद ये जो पोर्टफोलियो दोस्तों वो 13 लाख प्रॉफिट में कन्वर्ट हो चुका है। तो ये दोस्तों किसी टिप्स या किसी भी जैकपॉट से नहीं मिला है, ये मिला है मेहनत करके, सीखने से, प्रैक्टिस करने से। और यही रिजल्ट दोस्तों आगे जाके स्लोली स्लोली बढ़ता है, क्योंकि जैकपॉट हो सकता है कि आज लग जाएगा, लेकिन जैकपॉट सब लोग जानते हैं कि डेली नहीं लगेगा। यहाँ पे मैंने एक मैसेज भी डाला दोस्तों कि स्लोली ग्रोथ के बारे में सोचिए, क्योंकि जो ग्रोथ स्लोली होती है, स्टैटिक होती है, स्टडी मोड में होती है, वो दोस्तों लंबे समय तक स्टे करती है, आपके साथ रहती है। और इन सबके लिए दोस्तों आपको कहीं ना कहीं सीखना पड़ेगा। मैं हमेशा ऐड करता हूँ कि मैं इसलिए नहीं बता रहा हूँ कि आप मेरे क्लासेस को ज्वाइन करके सीखिए, आप मेरे से ही सीखिए, आप कहीं से भी सीखिए। आप बुक्स का हेल्प ले सकते हैं, अपनी खुद की R&D कर सकते हैं, फ्रेंड का हेल्प ले सकते हैं, और अगर आप कैपेबल हैं तो आप हमारी क्लास को भी ज्वाइन कर सकते हैं। और उसके लिए हमारा सिंपल सा फंडा है कि आपके लिए यहाँ पे जो हेल्प के लिए हम यहाँ पे आपको कॉल्स प्रोवाइड करते हैं हेल्प के लिए, जो कि आप देख सकते हो आज हमने जो भी व्यू दिया था, चाहे वो सन फार्मा का पुट हो, चाहे HDFC MC की कॉल हो, या निफ्टी का सेल हो, बैंक निफ्टी का सेल हो, सबने प्रॉफिट दिया। तो कहीं से भी अगर आपने ट्रेड किया तो आपको जो यहाँ पे प्रॉफिट मिला, तो उनसे भी आप हेल्प लेके और फ्री आप कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। तो दोस्तों एक बार नेक्स्ट बैच को ज्वाइन के बारे में जरूर सोचिए 20 अप्रैल, क्योंकि अप्रैल के बाद एक इवेंट आएगा जो की इलेक्शन का होगा, और अगर आप सीख के रेडी रहेंगे तो हो सकता है कि पॉसिबली उसमें एक अच्छा मूव आप कैप्चर कर सकें। अब आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग यहाँ पे समरी के ऊपर फोकस करेंगे। तो यहाँ पे देखिए जो क्लाइंट है दोस्तों, उसके पास फ्यूचर में लॉन्ग गया है, कॉल में लॉन्ग है, पुट में जो है यहाँ पे शॉर्ट है, स्टॉक फ्यूचर में लॉन्ग है। FII की बात करेंगे, फ्यूचर पे शॉर्ट, कॉल पे शॉर्ट, पुट पे शॉर्ट, स्टॉक फ्यूचर पे भी शॉर्ट। प्रो की बात करेंगे, फ्यूचर सेल, कॉल सेल, पुट लॉन्ग और स्टॉक फ्यूचर लॉन्ग। DI के पास फ्यूचर लॉन्ग, कॉल पे कुछ नहीं, पुट पे शॉर्ट, स्टॉक फ्यूचर पे शॉर्ट है। तो क्लाइंट यहाँ पे देखते हैं अपने पोजिशन को जो है यहाँ पे स्कर्व किया है, कहीं से प्रॉफिट बुकिंग की है, कहीं से निकाला है। FII के पास बेयरिश पोजीशन जो है आज डेवलप हुई है, प्रो के पास भी बेयरिश ही है। अब हम उस होल्डिंग वाले डेटा पे चलते हैं जहां से हमें पिक्चर क्लियर होती हुई नजर आती है। आज का सेशन थोड़ा सा लंबा हो सकता है, टाइम दे दीजिएगा, वीकेंड है, बिकॉज TCS का रिजल्ट भी आया है। तो एक जो फाइनल जो लास्ट में जो हम लोग वाइंड अप करेंगे, कवर अप करेंगे, वो वर्ड काफी इंपॉर्टेंट होंगे, तो सेशन को पूरा लास्ट तक देख लीजिएगा। तो सबसे पहले सेगमेंट वाइज अगर हम कवर करें यहाँ पे निफ्टी को इंडेक्स फ्यूचर के बेस पे या बैंक निफ्टी को, तो देखिए इंडेक्स फ्यूचर पे जो भी फ्यूचर है यहाँ पे क्लाइंट के पास अब शॉर्ट के बाद जो है इमीडिएटली लॉन्ग आ गए। DI के पास शॉर्ट बिल्कुल सेम है, FII के लॉन्ग घट गए 33,000, और प्रो के जो शॉर्ट है वो बढ़ गए हैं। कॉल की बात करेंगे इंडेक्स पे, तो क्लाइंट के पास अब कॉल जो है लॉन्ग आ गया शॉर्ट के सामने, FII के पास भी लॉन्ग जो थे वो आखिर कम हो गए बाद में, प्रो के जो लॉन्ग थे वो शॉर्ट में कन्वर्ट हो गए। पुट की बात करेंगे तो क्लाइंट के पास अब पुट सेल जो है बढ़ गया, और DI के पास सेम पोजीशन है ऑलमोस्ट, FII के जो पुट थे वो घटे हैं, प्रो के जो पुट थे वो यहाँ पे बढ़ गए हैं। स्टॉक फ्यूचर की बात करेंगे तो क्लाइंट के पास 17 लाख के दोस्तों लॉन्ग है, DI के पास 22 शॉर्ट सेल। आपको पता है हमेशा ये 21-20 लेके चलते हैं, क्योंकि ये पोर्टफोलियो को हैच करके रखते हैं फ्यूचर सेल करके। FII की बात करेंगे तो इनके पास 150 जो है लॉन्ग है, प्रो के पास दोस्तों यहाँ पे स्टॉक फ्यूचर लॉन्ग है। ये जो बेसिकली DI जो यूज करते हैं टेक्निक को, इसको हम लोग आर्बिट्राइज बोलते हैं, वो पोर्टफोलियो को मैनेज करने के लिए किया जाता है। ये लोग प्रॉपर कैलकुलेट करके करते हैं, उसका फॉर्मूला भी है, अगर आप गूगल करोगे तो पता चल जाएगा कि अगर आपके पास 3 लाख का पोर्टफोलियो है तो आपको कितने फ्यूचर जो है सेल करने हैं स्टॉक में किस तरीके से, तो वो इस तरीके से जो है मैनेज करते हैं अपने पोजीशन को। बाकी ये फंडों में ज़्यादा एक्टिव होते नहीं, इसलिए हम लोग इन पे ज़्यादा फोकस नहीं करते हैं। अब हम लोग दोस्तों आगे बढ़ते हैं और इनके डेटा को जो है कवर करते हैं, इनका ब्रेक निकालते हैं कि इनके पास कितना जो है लॉन्ग शॉर्ट है। तो सबसे पहले क्लाइंट के पास 3800 यहाँ पे फ्यूचर जो है लॉन्ग है, इसके बाद 31,000 जो है यहाँ पे कॉल लॉन्ग है, और पुट जो सेल है दोस्तों वो यहाँ पे 432 पुट सेल है।
सो अब टोटल एमटीएम बेसिस पे ये लोग लॉन्ग आ चुके हैं, जो कि पोजीशन है 4,67,000 की, यानी कि अब इनके पास 4.5 लाख लॉन्ग आ गया। अब हम एफआई को देखेंगे, तो एफआई के पास देखिए 33,000 इंडेक्स फीचर लॉन्ग, 41,000 इनके पास कॉल लॉन्ग है और 159 इनके पास पुट भी लॉन्ग है। सो टोटल इनका जो एम टू एम होगा 83,000 दोस्तों सेल पोजीशन है एफआई के पास। अब बात करेंगे दोस्तों प्रोपराइटर की, तो प्रोपराइटर के पास देखिए 20,000 इंडेक्स फ्यूचर सेल है, 72,000 जो है इनके कॉल सेल है और 223 जो है यहाँ पे पुट भी लॉन्ग है। सो इनका जो एम टू एम हो जाएगा 3,16,000 सेल। तो आपको डेटा को देख के समझ में आ गया होगा कि आज का जो प्रॉफिट मेकर जो पार्टिसिपेंट है वो ज़्यादा प्रोपराइटर है एफआईआई से भी आगे, और यही हमारे हमेशा मार्गदर्शक होते हैं। हालांकि लास्ट दो दिनों में इन्होंने भी कोई सिग्नल नहीं दिया था, सबके पास न्यूट्रल पोजीशन थी, छोटी पोजीशन थी। मैंने कवर भी किया था कि जो भी मिलेगा मौका लाइव मिलेगा, और आपने देखा होगा कि मॉर्निंग में ट्विटर पे 9:18 पे यानी कि बाजार खुलने के 3 मिनट बाद सिंपल से मैसेज था कि बहुत अच्छी रिकवरी मार्केट में है, फोकस आप कीजिए वो ओपनिंग हाई पे कीजिए, और अगर यहाँ पे क्रॉस नहीं कर रही है तो वहाँ पे सेल कीजिए, और सेम जो है यहाँ पे है उसको इसी तरीके से देखना है, क्योंकि सिंपल सा व्यू जो हमने लास्ट में वीडियो में शेयर किया था वही व्यू था, और हमारा मोटिव क्लियर था कि हम लोअर लेवल पे सेल करके ट्रैप नहीं होने वाले, हम सेल राइज पे ही करेंगे। 720 बेहतरीन लेवल हाई के पास, आप देख सकते हैं किस तरीके से आप हाई के पास गिरे हैं। इधर सेल करने का मतलब यही होता है कि आपके स्टॉप लॉस कुछ होते ही नहीं है, बहुत माइनर स्टॉप लॉस होते हैं। सो अब नेक्स्ट मंडे के लिए दोस्तों सबसे पहले रेजिस्टेंस 22,675, सपोर्ट दोस्तों 22,385। अब हम इसको स्मॉल टाइम फ्रेम पे स्विच करते हैं, और देखिए यहाँ पे देखेंगे तो इमीडिएटली इसने 22,500 का लेवल दिखा दिया, और 500 का लेवल मैंने आपको बताया था कि टारगेट होगा 500, अगर ब्रेक होगा तो यहाँ से अगला जो टारगेट होता है 22,300 का होता है। लेकिन क्या डायरेक्ट चला जाएगा 500 ब्रेक करके? तो इसका सिंपल सा आंसर है कि नो। तो हम क्या करेंगे कि ये जो हमारी लाइन है जहाँ से आज का ब्रेकडाउन हुआ है, हम इसको थोड़ा सा डाउन करते हैं और एक जोन क्रिएट करते हैं कि हमें किस जोन में अगेन जो है सेल अटेम्प्ट लेना है। तो हमारा जो जोन क्रिएट हो रहा है 620 से लेके और 680 तो नहीं जाएगा बाजार, अगर गिरना है तो 665 का जोन जो है क्लियर हो गया। तो अब बाजार अगर यहाँ से फिर इस तरीके से मूव लेके और यहाँ जब कंसोलिडेट करेगा या डायरेक्ट जाके गिरेगा और फिर इस लेवल से रिजेक्शन दिखाएगा, तो ये हमारा सेल का जोन होगा, जो कि 22,600 से लेके 620, और अगर थोड़ा स्ट्रेंथ दिखाए तो 650 या 660 तक थोड़ा सा 10-15 पॉइंट इधर उधर ले सकते हैं। ये जो जोन होगा ना, इसमें सेल करना होगा। अगर बाजार को डायरेक्ट गिरना है तो उसके लिए कंडीशन यहाँ पे फॉलो करनी होगी बाजार को, जो कि है कंसोलिडेशन की, क्योंकि डायरेक्ट गिरेगा तो उस सेल की जो गुंजाइश बहुत कम रहती है। तो 22,500 के नीचे अगर 5 से 10 मिनट आराम से कंसोलिडेट करें तब जाके सेल करेंगे, अदरवाइज अवॉइड करेंगे। सिंपल सा मैसेज बिल्कुल आपके सामने लिख रहा हूँ, इसको क्लिक कर लीजिएगा अपने दिमाग में, क्योंकि अगर डायरेक्ट गिरेगा आपने सेल किया, पॉसिबल है कि अगले ही 2 मिनट में वो रिकवरी मार देगा। आपको बताया है कि बाजार किस तरीके से रिकवरी दे रहा है, इसीलिए कंसोलिडेशन का होना बहुत ज़रूरी है। आइदर हम इसको पुल बैक पर सेल करेंगे, जो कि 22,600, 65, 620 का एरिया नज़र आता है, आइदर अगर हम 22,500 के नीचे सेल करेंगे तो आफ्टर कंसोलिडेशन सेल करेंगे। अब देखिए इसमें ट्रिगर कहाँ से आएगा आपकी कंफर्मेशन के लिए, TCS का रिजल्ट आ चुका है, और आपको पता है अपना एक विजन है, अपना एक प्रिंसिपल है कि जब भी फर्स्ट रिजल्ट आता है किसी सेक्टर का तो हम उसको सिर्फ और सिर्फ वेट एंड वॉच करते हैं। उससे फ़ायदा क्या मिलता है कि अब सेक्टर का पहला सिर्फ स्टॉक तो है नहीं, बहुत सारे स्टॉक हैं सेक्टर के TCS के, तो अगर सपोज कीजिए हमने इसी पर रिस्क लेके सी या पी ले लिया और हम गलत बैठ गए तो हम बड़ा लॉस कर देंगे। लेकिन एक कंपनी अगले स्टॉक के लिए एक क्लू दे देती है, तो जिस हिसाब से TCS भी अब करेगा, अब जाके आप अपनी BTS TSTVD प्लान कर सकते हो, अनदर जैसे इन्फोसिस का रिजल्ट आने वाला है, उसके बाद टेक महिंद्रा का, इस तरीके से। तो IT का रिजल्ट यानी कि TCS चूँकि हैवी वेट है निफ्टी पे, अगर मार्केट इसको ख़राब लेता है तो यहाँ से जो है फायर जो है दिखाई देगा, और ये जो है एक फ्यूल की तरह काम करेगा इंडेक्स में। और अगर यहाँ से पॉजिटिव आया, मार्केट को सपोर्ट मिला, देन आफ्टर यहाँ से रिकवरी,
और उस कंडीशन में हमें थोड़ा सा सेल अगेन जो है इसको पोस्टपोन करना पड़ेगा, फिर हम 22,700 के एरिया में सेल कर सकते हैं। तो उस कंडीशन में हम पुल बैक के लिए बाई भी ले सकते हैं, टारगेट छोटे रखने होंगे, लेकिन कंफर्म टीसीएस से जो मूव आनी चाहिए वो गैप अप के साथ नहीं आनी चाहिए, क्योंकि गैप अप पे तो निफ्टी फिर हो सकता है कि एंट्री का मौका नहीं देगा और हम ट्रैप हो जाएंगे। खुलने के बाद मोमेंट बनना चाहिए तब जाके, अदरवाइज अगर खुलने के बाद वीकनेस दिखाई दी तो फिर वही होगा कि 22,500 के नीचे सस्टेन करके गिरावट दिखा देगा। इस तरीके से हमारी जो है मंडे की प्लानिंग होगी। अब बात करते हैं बैंक निफ्टी की, जिसका रेजिस्टेंस है 49,595 का, सपोर्ट है दोस्तों 48,555 का। बैंक निफ्टी कुछ दिनों से जो है काफ़ी अच्छा स्ट्रांग था, काफ़ी जो है लैग चलने के बाद फाइनली, लेकिन आज गिरावट जो हुई वो साथ में हुई। और आपको पता है अभी भी मेरे डबल टॉप की देखोगे सिंबल यहाँ पर रेड वाली तो बिल्कुल ड्रॉ है। लास्ट जो सीएस था 11 वाला, उसके पहले मैंने क्लियरली बोला था कि दुग्गो वाला टॉप बन रहा है, मतलब डबल टॉप बन रहा है, नज़र रखिए। और आप देखिए इसी डबल टॉप के जोन से किस तरीके से बाजार ने आपको गिरावट दी। आज के हाई पे भी सेल किया तो भी प्रॉफिट है, पहले से सेल कर दिया तो भी प्रॉफिट है। तो अब अगला जो प्लानिंग है वो क्या है, तो देखिए एक अच्छा कंसोलिडेशन बैंक निफ्टी ने आज ही कर दिया, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। यानी कि अगर 48,500 दोबारा टूटता है तो एक कन्फर्मेशन जो है सेल की आ जाएगी, उस कंडीशन में हम सेल इनिशिएट कर सकते हैं। 48,500 हमारा आज के लिए टारगेट था जो कि मीट हो चुका है। अब अगला जो सेल है वो 48,500 के नीचे ही है, अगर इसके नीचे बाजार सस्टेन किया तो सेल करना है, अदरवाइज सिंपल है कि हम वेट करेंगे। 500 के ऊपर अगर जाएगा तो कहाँ तक वेट करना है, यहाँ से अगर ऊपर जाता है तो 48,800 के जोन में हमें सेल के लिए सोचना है। अब इस जोन में हम बाई कब करेंगे, जब अगेन हम 49,000 के ऊपर प्रॉपरली होल्ड करेंगे, वो भी अपना डेली क्लोजिंग बेसिस पे, तब जाके बाई इनिशिएट करेंगे, अदरवाइज तब तक नहीं। या तो अच्छी यहाँ से गिरावट हो, जो प्रॉफिट बुकिंग के एक्सपेक्टेशन थे पहले जो कि हमने कवर किए थे, उतने पॉइंट कंफर्म हो जो कि कम से कम 48,000 तक की पॉसिबिलिटी बनती है, वहाँ पर आके जब बॉटम फॉर्मेशन होगी तब जाके करेंगे, अदरवाइज शॉर्ट टर्म के लिए हो सकता है कि हम ये लेवल पे टॉप देखते हुए नजर आए। इसलिए मैं ऐड कर रहा हूँ कि बिल्कुल कॉशियस रहना है और स्ट्रिक्ट अपने लेवल के अकॉर्डिंग काम करना है। अब चलते हैं अगले इंडिसेस पे। तो अगला जो इंडिसेस है वो है हमारा फाइनेंस निफ्टी। तो फाइनेंस निफ्टी का दोस्तों रेजिस्टेंस है 21,700, सपोर्ट है दोस्तों 21,350 का। फाइनेंस निफ्टी ने भी ऑलमोस्ट कह सकते हैं कि रिवर्सल का साइन दे दिया है, और इसने भी बहुत अच्छा जो है यहाँ पे कंसोलिडेशन भी निभा दिया है। ये देख सकते हैं आप इस तरीके से गिरने के बाद प्राइजेक्शन कंप्लीट हो चुका है और एकदम बिल्कुल निर्णायक लेवल पे ही क्लोज दिया है। पहला हमारा था 600 के नीचे सेल के लिए, 100 पॉइंट इसमें मिला क्योंकि क्लियरली मैंने मेंशन किया था कि हम 600 के पास ही सेल करेंगे, अदरवाइज इसके लेवल के आसपास, जो कि थोड़ा रिस्की होगा, रिस्क लेके कर सकते हैं, लेकिन 600 के नीचे कंफर्म थी, जिसमें हम 40-50 पॉइंट खो रहे थे लेकिन कंफर्मेशन सेल मिल रही थी। तो अब जो 21,500 का लेवल है ये नेक्स्ट जो है कंफर्मेशन है। तो अब अगर 21,485 प्रॉपर होल्ड करके बाजार जो है चले तो यहाँ से फ्रेश सेल जनरेट होता है। अगर कोई रिकवरी देखी जाती है तो अगेन 21,600 का एरिया हम यूज करेंगे सेल के लिए। ऊपर यूज करेंगे तो 21,625 का एसएल ले सकते हैं, जब होल्ड करेगा बाजार निकल सकते हैं। 500 के नीचे सेल करते हैं तो 21,565 का एसएल बनता है, यहाँ से थोड़े एसएल बड़े बनते हैं। सो फाइनेंस निफ्टी के लेवल क्लियर है। मंडे को हो सकता है कि ये ज्यादा जो है गिरावट ना दे, कंसोलिडेट कर ले, क्योंकि ट्यूसडे की इसकी एक्सपायरी है, तो ये ट्यूसडे को गिरावट दिखा सकती है, और ट्यूसडे को बैंक निफ्टी की भी एक्सपायरी होगी क्योंकि 17th को रामनवमी है, तो उसके उपलक्ष्य में सीएच जो रहेगा तो बाजार उस दिन भी फिर क्लोज रहेगा। अब आज के लिए दोस्तों मैंने स्टॉक कोई लिया नहीं है, वीकेंड है तो वीकेंड पेनालाइज करके स्टॉक जो है देने की कोशिश होगी लाइव संडे सेशन में, जो कि संडे 9 PM होगा, उसको ज्वाइन कीजिएगा, वहां पर डिस्कस करेंगे। अब हम बढ़ते हैं अपने ऑप्शन चैन पे। तो सबसे पहले निफ्टी की बात करेंगे, जिसकी एक्सपायरी होगी 18th को। यहाँ पे डीप आईटीएम पे कोई कंक्लूजन नहीं दिखाई दे रहा है, राइटिंग है, बाइंग है, दोनों चीज़ें हैं। पुट की राइटिंग ओटीएम पे दिख रही है, जहाँ से मेजर पोजीशन बननी स्टार्ट हुई है वहाँ से राइटिंग दिख रही है। डेटा कन्वर्ट होकर कम्प्लीटली बेरिश हो चुके हैं, ओटीएम पे भी पुट की बाइंग है, आईटीएम पे तो बाइंग है ही है, शॉर्ट कवरिंग भी है। टोटल ओआई देखिए आपका यहाँ पे 19 लाख के करीब है, और कॉल सेलर के सामने पुट सेलर जो है वो जस्ट 13 लाख के करीब है। तो अब हमें मेजोर ओआई पर नज़र डालना है। कल हमने मेंशन भी किया था कि ये 600 आपका हो सकता है कि रेजिस्टेंस फॉर्म हो जाएगा, देखिए फॉर्म हो चुका है क्योंकि 1 लाख ओआई है, और 700 बड़ा ही जो है
बड़ा रेजिस्टेंस हो चुका है जिसकी कवायद हो चुकी थी लास्ट सेशन में। अब देखिए मेजर जो सपोर्ट है 22,500 पे और 500 के पास ही आप क्लोज हुए हैं, यानी कि जो हमारा निर्णायक लेवल है, मेक एंड ब्रेक लेवल है, मैक्स पेन है, वो 22,500 ही है। 22,500 आप देख सकते हैं यहाँ पे मैक्स पेन है। तो जब ये टूटेगा तब जाके यहाँ पे फ्रेश सेल ट्रिगर होगा, और अगर ये होल्ड होगा तो यहीं से बाजार अपसाइड मूव करेगा, और अगर यहाँ से मूव करेगा तो 22,700 फिर नेक्स्ट एरिया होगा। अब इस लेवल के पास या तो 22,600 हो सकता है, 6,55 हो सकता है, ये जोन हम सेल के लिए यूज कर सकते हैं। और तब तक अगर स्ट्रेंथ सही है तो रिस्क की एक बाई भी ले सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट के लिए, लेकिन बाई क्वांटिटी कम रखिएगा और स्टिक स्टॉप लॉस के साथ रखिएगा, ये ज़्यादा बेटर होगा। अब हम दोस्तों चलते हैं बैंक निफ्टी के ऑप्शन चेन पे, जिसका एक्सपायरी 16th यानी कि ट्यूजडे को है, फाइनेंस निफ्टी के साथ। इसमें देखिए यहाँ पे कोई भी बिल्डअप नहीं है, कोई भी कंक्लूजन नहीं है। पुट पे देखेंगे तो राइटिंग है, जस्ट हैज प्रीमियम खाने के लिए जो भी कहिए। अब हम जहाँ से पोजिशन बननी शुरू हुई है 46,800 से, वहाँ से देखते हैं तो लॉन्ग के कवरअप और राइटिंग दिखाई दे रही है। पुट पे राइटिंग है, यहाँ भी OTM पे पुट की जो बाइंग शुरू हो गई है, शॉर्ट कवरिंग शुरू हो गई है। टोटल जो कॉल सेलर हैं यहाँ पे, जो कल बिल्कुल फ्लैट थे, 23 लाख कॉल सेलर एंड 16 लाख पुट सेलर। सो डेटा जो है निगेटिव हो गया है टर्न, इसमें कोई डाउट नहीं है, यानी कि बाजार हमें अपर लेवल पे प्रेशर दिखाएगा। टोटल जो कॉल सेलर 48,600 पे 67,000 और 48,800 पे 48,800 पे यहाँ पे 1,30,000 और 2 लाख के करीब में 49,000 पे, जिसका हमने लेवल अभी जस्ट डिस्कस किया है। 48,500 मेक एंड ब्रेक है अगले दिन के लिए। मैक्स पेन अगर देखेंगे तो यहाँ पे 50,500 है, 50,500 पे इसका मैक्स पेन है। तो अभी आप मैक्स पेन के नीचे आराम से होल्ड कर रहे हैं, और PCR देखिए तो 0.69 है। तो बैंक निफ्टी में पॉसिबिलिटी है कि हमें सरप्राइज कर सकता है, क्योंकि हो सकता है कि निफ्टी परफॉर्म ना करे लेकिन बैंक निफ्टी परफॉर्म कर जाए, क्योंकि इसका मैक्स पेन जो है इंडिकेट कर रहा है, और हम मैक्स पेन के नीचे हैं तो नॉट श्योर कि हम गिरेंगे ही गिरेंगे। इसलिए 48,500 फर्स्ट ब्रेक पे मत सेल कीजिएगा, यहाँ पे खतरा बरकरार हो सकता है। जब प्रॉपर कंसोलिडेट करके ब्रेक करे तभी जाके सेल करेंगे बैंक निफ्टी में, अदरवाइज वेट करेंगे। पॉसिबल है कि एक बार फिर से ये ऊपर की जर्नी करे और उसके बाद फिर रेंज में आ जाए, यानी कि 49,000 पे जाए तो सेल करेंगे, 48,500 पे जाए तो बाई करेंगे। बैंक निफ्टी का जो मैक्स पेन है थोड़ा सा डाउट में डाल रहा है, इसलिए बैंक निफ्टी पे थोड़ा सा कॉशियस रहेंगे। तो दोस्तों उम्मीद है कि ये जो सेशन हमने शेयर किया है मंडे को आपको हेल्प करेगा। इस वीकेंड पे हमारे जो प्लांट सेशन है मिड कैप निफ्टी की एनालिसिस आएगी, और संडे लाइव सेशन होगा, देखना मत भूलिएगा। लाइव सेशन को ज्वाइन करके आप अपने पोर्टफोलियो के जो क्वेश्चन है वो डाउट क्लियर कर सकते हैं। बाकी अगर हमारी एनालिसिस हेल्प हो रहा हो, सराहनीय लगे, तो आप अपने फीडबैक, अपने लाइक जरूर दीजिएगा, चाहे तो अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट सेशन में।